like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. दरअसल जो हमारी विरासत है, जिस चीज़ से हम बन के आए हैं और जो हमारा पूरा वजूद है, जो हमारी शख्सियत है, वो कुछ तहजीब के दायरे के अंदर उसको महफूज करके रखना जो है, वो उसको आप रेस्टोरेशन कहिए या माशरे की कदर करना रख कहिए, उसमें एक चीज़ ज़बान है, दूसरी चीज़ अल्फाज हैं, मूसीकी है, रक्स है, आर्किटेक्चर है। ये अफसाना है एक रियासत का, जिसे बुना गया है कारीगरी के हुनर से, और जिसमें शामिल हैं स्वाद और खुशबुओं के हजारों रंग, जिसे सहेजे संवारे रखा है यहाँ के लोगों ने, और जिसके जायकों के अनूठेपन और उन्हें जन्म देने वाले हाथों की भी हैं अपनी कहानियां। चांद की तरह चमकते मुआशरे का ये अफसाना है अपनी विरासत को गले से लगाने वाले एक शाही परिवार और उनके कोटवारा का। जो बन गया है मेरा, जो बन गया है मेरा, जो बन गया, जो बन गया This is the map of Gurdwara. यूं आप आए तो एक जंगल का हिस्सा है, जंगल के अंदर से गुजर के आदमी यहाँ से आता है, और इस तरफ एक तालाब है जिसे बालाई कहते हैं। बचपन से ही ये लेक का जो नज़ारा है, ये मुजफ्फर की एक सबसे पसंदीदा जगह रही है, और मुझे लगा कि अगर हमें यहाँ के माशरे को, यहाँ की जगह को, आर्किटेक्चर को रिस्टोर करना है, तो सबसे पहले वो मेमोरी को रिस्टोर करना चाहिए जो कि आपकी बिल्कुल सोल से वाबस्ता है। जब हम लोग कोटवारा पहुँचे तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ टूटे हुए लोग नहीं बल्कि टूटी हुई इमारतें भी थी। आर्किटेक्ट थी मेरा, तो उन्होंने सोचा कि इसमें तो काफ़ी कुछ नए तरीके से किया जा सकता है, और पुरानी जो उसकी नौइयत है, जो उसकी एक ब्यूटी है, उसको कैसे रिस्टोर करके उसको ज़िंदा रखा जाए। जब मैं पहली बार कोटवारा गई, आई थिंक इट वाज 1990, जस्ट द स्प्रिंग ऑफ 1990, तो मुझे उससे खूबसूरत कोई जगह नहीं। देखिए, एक जगह के दो पहलू होते, एक होता है उसका आर्किटेक्चर, व्हाट डज दैट स्पेस विजुअली हैव टू ऑफर टू यू, और दूसरी चीज़ होती है कि द लाइव एलिमेंट, द सोल, द पीपल। उस आर्किटेक्चर में एक सोल थी जिसने लोगों को वहाँ खींचा। और आहिस्ता चलो, रह गुजरे हस्ती में, कहीं ये सिलसिला नक्श कदम टूट ना जाए। तो आदमी का जो नक्शे कदम है, जिस पे वो चल रहा है, जिसके ऊपर उसके बाप दादा चलते आए हैं, उसकी बहुत एक बड़ी अहमियत है। बहुत सी चीज़ें जो आपको मिली हैं विरासत में, वो कहीं ना कहीं आपके बाप, आपके दादा, आपके परदादा से कदम ब कदम आप तक पहुँची हैं, तो उसको समझना, उसकी कदर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप किसी चीज़ से जुड़ते हैं, एक माशरा बनता है, तो ज़ाहिर है उसके साथ एक पास्ट, एक प्रेजेंट
और एक होपफुली फ्यूचर भी जुड़ता है। हमने जब माशरा का कॉन्सेप्ट शुरू किया तो उसको खाने से जोड़ा, इसलिए क्योंकि एक हमारी तहजीब है खाने की, जो कि जिसमें हम पैदा होते हैं, जिसमें हमारे टेस्ट बड्स इवॉल्व होते हैं। आपके टेस्ट बड्स इवॉल्व होते हैं एज अ चाइल्ड, दैट इज़ द थिंग यू रिमेंबर ऑलवेज। किसी को अपनी माँ की दाल पसंद है, किसी को अपनी नानी की खीर पसंद है। क्यों पसंद? क्योंकि एक माशरा में आप पैदा होते हैं, वो एक सिलसिला चलता है, उसके साथ इमोशंस जुड़ जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में एक तो जो बावर्ची खाने का खाना होता है, जो चूल्हे पे पकता है, फुकनी से आग लकड़ी में लौ दी जाती है और वहीं पर गरम गरम रोटी शोरबे में डुबो के खाई जाती है, तो एक तो वो खाना है जो कुचक्कों की जो वालदा थी नूरजहाँ, उनसे हमको मिला। सिर्फ उसमें मोहब्बत और जायका मिलता है। सीनाए पंद जाए तू दीदा बजेरे पाए तू। उसके बाद जो दूसरा खाना होता था वो अब्बाजान की मेज़ पे, अब्बाजान की मेज़ पे जो खाना होता था उसमें और भी चीज़ें कबाब वगैरह आ जाती थी, तो वो खाना, वो जो खाना था वो किस्से और कहानियों में जुड़ा हुआ था, और वो खाना जो था वो मुझे लगता था कम खाया जाता था, सुना ज़्यादा जाता था, देखा ज़्यादा जाता था। तो नूरन के हाथ का जो दमपुख था वो बिल्कुल, इट वॉज अमेजिंग। कम से कम मसालों में और इतनी बरकत थी नूरन के हाथ में पकाने की कि अगर उन्होंने 3 लोगों के लिए खाना पकाया है और 10 लोग आ जाएं तो खाना कभी कम नहीं पड़ता था। ये बड़ी ख़ास बात थी। और नूरन की डॉटर है रेहाना, वही सिफत बिल्कुल रेहाना में है। तो जो नूरन ने दमपुख सिखाया रेहाना को, वो आज भी हम लोग उसको माशरे में पेश करते हैं। हमने जब माशरा शुरू किया तो हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि हम अपने वो रेसिपीज़ जो कोटवारा फैमिली को पसंद है या यहाँ पे इवॉल्व हुई या यहाँ पे उसमें कोई नई बात डाली गई, उसको लेके हम उसको रिस्टोर करें, उसको प्रिजर्व करें, उसको प्रेजेंट करें ताकि आगे भी लोगों को पसंद आए। और इसको जो हमारे ये सब इतने सब खानसामा हैं, कुक्स हैं, शेफ्स हैं, उनको भी थोड़ा उत्साह उनका बढ़े कि हाँ भाई हमारे खाने की तारीफ हो रही है। अब करेला जो है वो हर माशरे में अलग पकता है, और जो लखनऊ का करेला है वो मतलब आप खाइए तो करेला ही नहीं लगता। कई तरह के करेले बनते हैं, साबुत करेला होता है, उसको छील के पका के उसके अंदर जो फिलिंग करी जाती है कलौंजी इमली सब डाल के, तो लगता ही नहीं आप करेला खा रहे हैं। तो खानों को इस तरह इवॉल्व किया गया है। और स्ट्रेंजली इनफ ये जो भरा हुआ करेला है, ये जो हमारा माशरा है, जो हमारा एक कोशिश रही है इस क्विजीन को रिस्टोर करके रिवाइव करने की, उसमें एक बहुत पॉपुलर डिश हो गई है। दरअसल हमारे फादर की उम्र 14 साल की थी जब उनको गद्दी मिली, और वो भी एक मर्डर हो गया था फैमिली में। उनको जब गद्दी मिली तो वो लमाटनियर कॉलेज में उनको एज अ बॉर्डर एज अ रखा गया विद द प्रिंसिपल, और फिर वहाँ भी उन पर एक अटेम्प्ट हुआ लाइफ का। तो जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में जब रियासत चली गई तो उन्होंने सोचा कि इट्स सेफर टू सेंड हिम अब्रॉड, तो हमारे वालिद को विलायत भेजा गया
ऑक्सफोर्ड में उनका एडमिशन हुआ। तो जब अब्बा जान स्कॉटलैंड गए तो दादी ने ही उनके सारे प्लेजर्स फाइनेंस किए, जैसे कि ही बॉट हिज आइसोटा फ्रेशिनी एंड देन ही हैड 2-3 अदर कार्स विद इंग्लिश शोफर्स। तो अब्बा जान बस बोलते थे और दादी यहाँ से उनको भेज देती थी, लेकिन जितना दादी जो है अब्बा जान के बारे में सुनती थी उतना ही शी यूज़ टू मिस हिम। तो वहाँ के कुक्स ने फिर उनके लिए एक जो यखनी होता है सूप, ख़ास तौर से जो सर्दियों में पिया जाता है क्योंकि पाए का बनता है, तो यखनी सूप वॉज हर यू नो रिवाइवल डोज एंड सो वी इंक्लूडेड दैट ऑल्सो इन माशरा। तो एक सरफराज थे जो यहाँ से गए थे और उन और एक वहाँ अंग्रेज़ शोफर भी था उनका जेम्स। तो जेम्स और सरफराज की जो थी वो एक अजीब टाइप की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती थी। एंड आई थिंक कुछ ये सरफराज साहब जो थे वहाँ वो जेम्स की किसी रिश्तेदार पे आशिक भी हो गए थे वो, तो जिससे निकलना उनका ज़रा थोड़ा सा दिक्कत तलब हो गया था। काफ़ी इनोवेटिव सा आदमी था वो और ही हैड अ क्विक विट एंड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। एक साहब आए घर पे खाना खाने, तो उनको बलाई का बहुत शौक था, तो अब खा रहे थे बलाई कुछ कम पड़ गई तो उनका और मंगवाई जाए बलाई। तो सरफराज ने कहा हुजूर मैं इनको कुटवारे ले चलता हूँ, वहाँ इनको बाकायदा बलाई में नहलवाएंगे। तो ये माय फादर विंक्ड एट हिम एंड देन ये साहब जो थे नासिर साहब ये कुटवारे गए। सुबह तड़के इनको चार आदमियों ने पकड़ा और पकड़ के वहाँ तालाब है उसका नाम बलाई है उसमें जाके छोड़ दिया। कहने कहने क्या हो रहा, कहने हुजूर बाप से वादा किया था बलाई अब नहलाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे मोतिया कबाब जो लौकी से बनते हैं बड़े मशहूर हैं, एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी गोश्त के बिना खाना ही नहीं खाता, आज तक मैंने खाना नहीं खाया बिना गोश्त के, मेरी माँ परेशान हो गई खिला खिला के, और आपके घर आया हूँ तो बहुत अच्छा गोश्त मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली ट्यूसडे था, यहाँ गोश्त मिलता नहीं है और हम लोगों ने कुछ पकाया भी नहीं था, तो मैंने रेहाना से कहा भाई अब तो नाक कटने वाली है आज। तो रिहाना ने कहा आप चुप्पे बैठिए, ऐसे बोलती आप चुप्पे बैठिए और खाना खाइए। हमने कहा ठीक है। तो खाने पे कबाब आए, कबाब पे वो लच्छेदार क्या प्याज के लच्छे थे, साथ में बड़ा अच्छा पुदीने की उसमें खुशबू आ रही थी, तो उनको पेश किए गए। तो 1, 2, 10, 12, 40 कबाब खा गए चले गए। तो मैंने कहा रिहाना से भाई सब बच गई आज तो इज्जत हमारी, कहती लौकी के खिलाए थे। तो हमने कभी उनको बेचारे को आज तक नहीं बताया कि आप उस दिन लौकी के कबाब खा गए, क्योंकि मोती बहुत लोग सबसे अच्छी चीज मानते हैं ना, हाथ पे पहन लो तो लोग कहते हैं बुरा वक्त नहीं आएगा, इंसान की सोच के हिसाब से खाने की भी सोच होगी। अब मोती सबको अच्छा भी लगता है तो मोतिया कबाब नाम रख दिया। अब एक किस्सा है वाजिद अली शाह का, जो लास्ट नवाब थे जिनके लिए ख़ास मशहूर है कि अवध के खाने जो हैं जो नवाबी क्विजीन है इट इज़ एट्रिब्यूटेड टू हिज किचन्स। तो वाजिद अली नवाब वाजिद अली शाह के किसी अजीज ने दिल्ली में उनको खाने पे बुलाया और उनको मालूम था कि वाजिद अली शाह को मीठा बहुत पसंद है, तो उन्होंने दस्तरखान पे अलग अलग तरह के मुरब्बे और मिठाइयाँ और खीर और शाही टुकड़ा और अलग अलग चीज़ें उनको जो पेश की गईं, तो ही वाज़ वेरी एक्साइटेड कि वाह मेरे मतलब का खाना है, इतनी तरह के मीठे हैं। तो जब उन्होंने खाया तो हर मीठा नमकीन था, शक्ल उसकी खीर की थी लेकिन वो बना किसी और चीज़ का था, शक्ल उसकी मुरब्बे की थी लेकिन वो बना गोश्त का था। सो हिज होस्ट एक्चुअली फूल्ड हिम, तो ये एक मजाक का तरीका था। तो
वाजिद अली शाह से रहा नहीं गया, उन्होंने भी सोचा कि इसका तो मुझे जवाब देना ही है। 4-6 महीने बाद फिर वाजिद अली शाह ने उन साहब को लखनऊ बुलाया और दस्तरखान सजा। अब उनको मालूम था कि ये जो आज के मेरे गेस्ट हैं उनको मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, द एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो दस्तरखान सजा, उस पर खूब बिरयानी बनी और अलग अलग तरह की चीज़ें पकी। अब जब वो खाना खाने बैठे तो हर चीज़ मीठी थी, चावल तक का एक एक दाना जो है शक्कर का बना था और हर एक चीज़, यहाँ तक कि जो दस्तरखान सफ़ेद बिछा था वो भी शक्कर का बना था। तो एक तरह का मजाक, एक तरह का कि नोक जो, लेकिन सब खाने पे सेंटर। अब जब फूफी जान की शादी हुई, कनीज सकीना, शी इज़ नाउ 101 ईयर्स ओल्ड, जब उनकी शादी हुई शी वॉज़ ओनली 17 और शादी हुई रामपुर से, तो बारात रामपुर से आई। तो अब्बा जान जो है 30-40 कुक लखनऊ से लेके गए, क्योंकि रामपुर वालों का खाना भी मशहूर है, लड़की लखनऊ की है तो ज़ाहिर है खाना लखनऊ का बेहतर होना चाहिए। बहरहाल बहुत सारे कुक्स गए, लेकिन खाने वाले जो बाराती थे, जो कि कमेंट करने वाले थे, उनके दिमाग में तो कांस्टेंट एक कंपैरिजन समझिए चल ही रहा था। फिर यहाँ का कौरमा है, वहाँ का तारगोश्त है। तारगोश्त भी चीज़ है कि मतलब उठाएँ तो तार जैसे उसका जो है टपकना चाहिए, जिसके लिए रामपुर वाले आर वेरी प्राउड ऑफ इट, यू नो। फिर लखनऊ के जो कबाब हैं उनमें ज़्यादा नज़ाकत है, मतलब मसाले पीस के बड़ी नफासत से डाले जाते हैं। रामपुर के कबाब दे आर मोर रोबस्ट, यू नो, शायद गोश्त भी वो थोड़ा ज़्यादा मोटा पीसते हैं। तो इस तरह से ये जो है कि कंपैरिजन चलता रहा। लेकिन जो नरगिसी कोफ्ता है तो वो लखनऊ का भी है और रामपुर का भी है। और एक चीज़ जो उन्होंने कहा कि लोगों को नरगिसी कोफ्ता बहुत पसंद आया, तो जाहिर है कि शायद लखनऊ का नरगिसी कोफ्ता रामपुर के नरगिसी कोफ्ते से बेहतर होगा। तो उसको हमने अपने माशरा के मेन्यू में ज़रूर रखा। मेरी वालदा रानी कनीज हैदर बहुत ही मतलब जनरस और फिराग दिल इंसान थी, कोई उनके पास से आज तक खाली हाथ नहीं गया। और ख़ास तौर से जब कोई भी मौका होता था, मुहर्रम हो या और कोई किसी की बरसी हो या सालगिरह हो, तो खिचड़ा और मुख्तलिफ चीज़ें पक के मस्जिद में बांटी जाती थी। दिस वॉज़ अ वेरी स्पेशल कैरेक्टर शी हैड। आप उनके पास गए, अपनी तकलीफ़ बताई, तो आपकी तकलीफ़ वो सोचती थी कि इसकी तकलीफ़ मुझसे जो हो सके मैं हल कर दूँ, इसको आसान कर दूँ। बस उनको ये मालूम था कि कोई मुझसे तलब करने आया है तो मैं इसकी मुसीबत को कैसे ख़त्म करूँ। वो एक बड़ी अच्छी इंसान थी और वही सब कुछ बेटे में आया। विरासत की जो एक पगडंडी है, जो एक उसका एक सिलसिला है, उसकी बात होती है जहाँ पुरानी चीज़ों को महफूज करके रखने की बात होती है। इसमें हम मीरा को अलग नहीं कर सकते और मीरा रिहाना को अलग नहीं कर सकती। तो ये तरीके से देखा जाए तो दीज़ा काइंड ऑफ ये क्रॉस इंटरडिपेंडेंट इन्फ्लुएंसेस हैं जो इत्तेफाक से आई हैव बीन ब्लेस्ड विद। रिहाना जो है शी रियली लव्ड समा अलॉट और रिहाना ही ने उनको
पाला, सुबह स्कूल के लिए तैयार किया, रात भर उनके साथ बैठी अगर बीमार थी तो दे डेवलप्ड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। उनके और मेरी माँ के बीच में मेरे ख्यालों में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है, जब से मैं एक साल की भी नहीं थी। खाने का जो पैशन और जायका उन्हीं के थ्रू मिला। रेहाना का तो कहना है कि मैंने खाना भी समा की वजह से पकाना सीखा, कि अगर इनको नहीं खिलाना होता तो मैं कभी अच्छे खाने ना पकाती। तो ये देखिए ना कि एक औरत के अंदर वो जो लव है वो इट इज शोन थ्रू द फूड शी इज फीडिंग द चाइल्ड, यू नो, बहुत जरूरी बात है। सूफी जहन जो है, दिल जो है, वो हर उस तरफ जाता है जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर आंसू टपके थे, ये टपक सकते हैं, ये टपके गए। दिल्ली में हम आई वॉज़ वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट और वहाँ मुजफ्फर अभी अपनी फिल्म जूनी को अधूरी छोड़ के आए थे कश्मीर से। वहाँ के हालात इतने बदल गए थे 1990 के बाद में। तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में एक जहाँ मैं काम कर रही थी आर्किटेक्चुरल ऑफिस में। हमने प्रपोज किया तो मैंने शर्त यही रखी कि भाई देखिए हम हैं और एक उजड़ा हुआ गांव है तो दोनों को आपको अपनाना पड़ेगा। इत्तेफाक से शी वॉज ओपन टू द आइडिया और जब ये आई यहाँ तो इन्होंने देखा कि वाकई उजड़ा हुआ है। मुजफ्फर फिल्मों के जरिए से ही had already developed a deep passion for craft. And my being an architect, तो एक design sense तो थी ही। तो हम लोगों ने अपना brand शुरू किया by the name of Kotwara, House of Kotwara, मुजफ्फर और हमारे नाम से नहीं, because हमें लगा कि जो हमें ये लोग दे रहे हैं तो हमें उनको वापस देना है। The brand should be called by the name of the ancestral home Kotwara. इतना आसान काम नहीं, ये काम तो फनकारी का है। 36 टांकों में ये सारा इल्म तो चिकनकारी का है। आंखें, कपड़ा, धागा, सुई, फ्रेम, डिजाइन, नक्काशी, ये ऐसी तखलीक है जिसमें हाथ हुनरकारी का है। इत्तेफाक से मुआशरे का मतलब वही है जो आप खुद तलाश में हैं और खाने के साथ ज़िंदगी और ज़िंदगी के साथ इतिहास और सभ्यता को जोड़ने की कोशिश करें, इसी का मतलब माशरा है। माशरा जीने की अदा है, एक अंदाज है। सिर्फ खाना आप तक पहुँचे एक बात है, लेकिन खाने के साथ पूरा एक माहौल, एक दुनिया आपके लिए जाग जाए, ये हमारी कोशिश है और आपके ऊपर भी है। आप अगर उसको लेना चाहें तो वो आप तक पहुँच सकती हैं बातें। ये थी कहानी रियासते कोटवारा की, जिसने आज भी संजो रखा है अपनी यादों को, बदलते जमाने के साथ कदम बढ़ाते हुए, और जिसकी हिफाजत करती है कुदरत और खुद वक्त भी। मैं जुल जिना हूं, मुझे डर नहीं अंधेरों का,
मैं जुलझना हूँ, मुझे डर नहीं अंधेरों का, जो मेरी पुश्त पे है वो रोशनी खुदा की है।